हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप लोगों का मेरे चैनल दीपसा मॉन ट्यूब में। मैं दिव्या वेलकम करती हूँ अपने चैनल में आप लोगों का। तो आज है आप लोगों के लिए फरीदाबाद का वीडियो। जब मैं अपने मासी के घर पे जा रही थी तो मासी, मैं, ये और वंश, हम सभी लोग जा रहे थे फरीदाबाद, जो हमारी मासी दिल्ली में रहती है, बड़ी वाली मासी, उन्हीं के घर पे। तो ये है मेट्रो का, जब हम लोग जो है मेट्रो में जा रहे थे फरीदाबाद के लिए, और एक तरफ में मैं और ये और वंश, मैं, मासी बैठी हुई थी और वंश भी हम लोगों के पास बैठा हुआ था। बट वो थोड़ा सा, जब डोर बंद हो जाता था तो वो थोड़ा थोड़ा खेलने के लिए उठ जाता था, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। मैंने डोर का भी थोड़ा सा वीडियो ले लिया है आप लोगों को दिखाने के लिए। यह हर स्टॉपेज पे मेट्रो रुकती है और अलाउंस होता है कि ये स्टेशन पहुंचने वाले हैं। जो भी स्टेशन का नाम हो, अगला पहले से ही अलाउंस होने लगता है। इसके बाद हम लोग मेट्रो से उतर जाते हैं नीचे, फिर वहां से बाहर आ करके फिर हम लोग वहां से ले लेते हैं ऑटो जाने के लिए मासी के घर। जो कि ये रास्तों में बहुत सारा चीज़ का कुछ कुछ था, तो मैंने कुछ कुछ वीडियो भी ले लिया है। और आप लोग भी सोच रहे होंगे ना कि मैंने डॉक्टर का दिखाने के बाद जो है फिर डॉक्टरी का आगे आप लोगों के साथ वीडियो शेयर नहीं किया, क्योंकि मेरे पास जितना भी सूट था मैं उतना ही वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर पाई। इसलिए मैं वीडियो और ज़्यादा सूट नहीं कर पाई थी, क्योंकि मैं एम्स में जो है ज़्यादा वीडियो लेना अलाउ नहीं है। तो इसलिए मैं जितना थोड़ा थोड़ा ले पाई थी वही आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। और जहाँ तक रहा इनकी तबीयत ख़राब के लेकर के कोई भी तरह का बात, तो मैं उनके बारे में आपको एक अलग से, मैं और ये मिलकर वीडियो बनाएंगे, फिर आपको उसमें सारी बातें बताएंगे कैसे तबीयत खराब हुआ था, क्या क्या हुआ था, ये सारी बात। और यहाँ से हम लोग पहुँच जाते हैं मासी के घर, फिर दिन दोपहर का खाना वाना खा के रेस्ट करते हैं, फिर इवनिंग को जाते हैं। वहीं का एक पास में बहुत ही अच्छा सा मंदिर है जिसमें हर तरह के भगवान हैं, तो हम लोग वहीं पर चले जाते हैं। मैं, मासी, वंश और जो है प्रियल, ये सभी लोग, मेरी भतीजी, ये सभी लोग चले जाते हैं वहाँ हम लोग अंदर, और वहाँ स्लीपर वगैरह खोल वोल के फिर हम लोग जाते हैं अंदर में, प्रणाम करते हैं, बैठते हैं वहाँ पे, भजन वगैरह हो रहा होता है, ये जाप वगैरह कर रहे होते हैं। अभी बाकी आप लोगों को भी बहुत सारा चीज़ इसमें देखने को मिलेगा, सो वीडियो में कंटिन्यू ज़रूर से बने रहें। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये बहुत ही अच्छा यहाँ का मंदिर है, तो ये जो है घूम घूम के सभी जगहों पर प्रणाम देख के प्रणाम वगैरह कर रहे हैं, और घंटी, टीका, ये सब वहाँ पे रखा हुआ ही है। घंटी भी आराम से बजा के, टीका वगैरह भी आप खुद से भी ले सकते हैं, पंडित जी भी रहते हैं तो आप लोग वहाँ पर भी दे सकते हैं। यहाँ पर सूचना में लिखा हुआ है कि प्रसाद चढ़ाने के बाद भगवान के सामने प्रसाद ऐसे ही ना बिखेर के छोड़े, खुद के साथ लेकर जाए प्रसाद को, ये यहाँ के कहना है। और चूंकि कार्तिक महीना स्टार्ट होने वाला था, इसके लिए ये सब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, कृष्ण भगवान और सभी भगवानों को उधर रखा गया था, ताकि यहाँ पे जो है पूजा वगैरह भी अलग से, यहाँ पे पाठ वगैरह भी मॉर्निंग से होने वाला था। इसके बाद ही यहाँ पे जो है सभी भगवानों का मैं थोड़ा थोड़ा करके वीडियो ले लेती हूँ, जो कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ माँ दुर्गा की 9 रूपों की फोटो मूर्ति बनाई हुई, और सभी मूर्ति में उनके अलग अलग से नाम लिख के अच्छे से दिखाया गया है, जो आप लोग देख सकते हैं दुर्गा पूजा के 9 रूपों का, जो 9 दिन पूजा होती है। और यह है विष्णु भगवान का फोटो मूर्ति, जो आप लोग देख पा रहे हैं, विष्णु भगवान और माता लक्ष्मी की मूर्ति। इसके बाद जो है ये है गणेश भगवान की मूर्ति, और ये शिव भगवान और शिव पार्वती, कार्तिक भगवान, गणेश भगवान, ये सभी भगवानों का फोटो है यहाँ, मूर्ति है यहाँ पर बना हुआ। बाकी ये राम दरबार बना हुआ है यहाँ पर, और इधर है राधा कृष्ण, जो आप लोग देख पा रहे हैं। मैं जितना जितना वीडियो लेती हूँ सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, मैं जहाँ जहाँ गई, क्या क्या हम लोगों ने इन्जॉय किया, और वीडियो से कंटिन्यू बने रहेंगे ताकि आप लोगों को वीडियो। ये जो है शनि भगवान का मूर्ति है, जो हम लोग गए हुए थे वहीं पे एक और मंदिर था बगल में, जहाँ पे शनि भगवान का पूरा मूर्ति वगैरह सभी तरह का बनाया हुआ था, तो ये था यहाँ पर। उसके बाद वहाँ से आ जाने के बाद फिर हम लोग आते हैं इसी मंदिर में। यहाँ आने के बाद जो है समीर जी कर रहे होते हैं जाप, जो अपना वो जाप करते हैं ना, वो जाप कर रहे होते हैं यहाँ पर। इसके बाद फिर मैं भी यहाँ पर वीडियो अपना भी थोड़ा सा ले लेती हूँ। बाकी मैंने आपको इसलिए बोला ना कि वीडियो से कंटिन्यू बने रहेंगे, ताकि आप लोगों को मेरा अभी अच्छा अच्छा और भी ब्लॉग इससे मिलेगा देखने को, रेसिपी वगैरह, जो रेसिपी भी मिलेगा अगले वीडियो में बाद में, पहले मिलेगा आप लोगों को अभी यहाँ का ब्लॉग, जो हम लोग गए हुए थे फरीदाबाद, वहाँ पर का हम लोगों ने बहुत ही अच्छा अच्छा
फूड ट्राई किया था, तो आप लोगों को वो भी आगे वीडियो में देखने को जरूर से मिल जाएगा। तो इसलिए वीडियो में अच्छे से कंटिन्यू बने रहेंगे। और ये सब हो जाने के बाद हम लोग वहाँ से आने का भी मैं वीडियो इसके साथ ही एंड कर देती हूँ। वीडियो का जो है, वीडियो का एंड नहीं, मीन्स कि जब हम लोग आ रहे होते तो हम लोगों ने वीडियो थोड़ा थोड़ा ले लिया था, तो आप लोगों के साथ वो भी शेयर कर दे रही हूँ। मेरी मासी का जो घर है ना, वो हम लोग कहाँ पे उतरते हैं वो भी आप लोग को यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। नीलम चौक करके उतरते हैं मेट्रो स्टेशन, फिर वहाँ से हम लोगों को जाना होता है आगे। तो आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और सबसे बड़ी बात, वो जो जब मैंने ये वाला वीडियो डाला था ना, बिजिया मिलन समारोह वाला, उसका ब्लॉग मेरा बहुत ही अच्छा व्यू आया है, तो उसके लिए आप लोगों को बहुत सारा थैंक यू। और वीडियो में इसलिए मैं बोलती हूँ बने रहेंगे, ताकि आप लोगों को मेरा डेली ब्लॉगिंग भी इसमें मिलता है। अभी तो मैं डेली ब्लॉगिंग नहीं डाली हूँ, पहले मैंने सोचा कि दिल्ली का जो वीडियो वगैरह है ना, उनको पहले मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को जो है देती हूँ बाकी का वीडियो। तो ये है, अभी पहले दिल्ली का ब्लॉगिंग मैं पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ, कहाँ कहाँ हम लोग गए, कैसे आए। तो इसके साथ ही जो है हम लोग वहाँ से आने लगते हैं घर। तो ये है मेट्रो जब आ रही होती है हम लोगों का, तो हम लोग जो है राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से जो है मेट्रो को चेंज करके फिर येलो लाइन की हम लोग मेट्रो लेते हैं। फिलहाल मैं आप लोगों को यहाँ पर से दिखा दे रही हूँ लोटस टेम्पल, जो हम लोगों ने इंजॉय किया मेट्रो के अंदर से ही, क्योंकि पहले ही जब जा रही थी ना मैं, तो उस टाइम पे ही मैंने लोटस टेम्पल का वीडियो देख लिया था। तो मैंने सोचा था आधे टाइम पे इसका वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, क्योंकि जाते टाइम का पहले ही जो है वो जा चुका था, मतलब कि मुझे दिखा थोड़ा लेट से था इस वजह से। और यहाँ पे वंश लोग जो है बैठे हुए हैं, इसके पापा बैठे हुए हैं, और वंश जो है कर रहा है इंजॉय। और आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग कैसा लग रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। फिलहाल यहाँ पे वंश इंजॉय करते करते देख लेता है, यहाँ पे एक फौजी भाई बैठे हुए होते हैं, तो वो चले जाता है उन्हें जय हिंद करने के लिए। ये देख सकते हैं आप, वो अभी जाएगा बोलने के लिए जय हिंद, तो उसे ये बोलना अच्छा लगता है। और जितने जब भी वो जय हिंद बोलता है ना, तो सभी लोग देख के ये आश्चर्य करते हैं कि इतना छोटा बच्चा डरता नहीं है और जय हिंद करने के लिए आ जाता है। फिलहाल आप लोगों को आज का मेरा वीडियो यहीं पर मैं एंड करूँगी। ये देख लीजिए वंश चला गया है जय हिंद करने के लिए, और आज का वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी। जल्दी मिलूँगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और नेक्स्ट वीडियो का भी वेट जरूर से करेंगे। थैंक यू।